मलोट शहर दे विच होई एमएलए दी कुटमार नू लेके हालात तनावपूर्ण बने हुए ने। बीजेपी वर्करां वालों रोस वजो शहर नू बंद कराया जा रहा है, परंतु दूजे पासे किसान इस मामले नू लेके बीजेपी आगुआं दा विरोध करदे नजर आ रहे ने। किसानां दा कहना है कि इस मामले नू बीजेपी वर्कर ज्यादा तूल दे रहे ने, परंतु जदों किसानां नाल कुटमार हुंदी है तां उदों बीजेपी मूक दर्शक बन जांदी है, जबकि हुण ओह इस घटना दी निंदा जरूर करदे ने, पर हुण इस घटना नू जरूरत तों ज्यादा वड्डा कीता जा रहा है, जिस दा ओह सख्त विरोध करदे ने। फिलहाल पूरे मलोट शहर दे विच कई जगह ते सन्नाटा परसिया होया है। कुछ दुकानदार दुकानां खोलन ते भी अड़े हुए ने, जबकि बीजेपी वर्कर शहर नू बंद करन दी अपील कर रहे ने। इस दे चलदे भारी पुलिस फोर्स मलोट शहर दे विच तैनात कीती गई है, खास करके इत्थों दे बठिंडा चौंक दे विच जिथे किसानां दे वल्लों धरना दित्ता जा रहा है। घटना नू रोकन दे लई चप्पे चप्पे ते पुलिस लगाई गई है, फायर ब्रिगेड ते होर तमाम जरूरी प्रबंध कीते गए ने, क्योंकि मन्या जा रहा है कि किसे भी वेले इत्थे तनाव वर्गे हालात बन सकदे ने, क्योंकि एक पासे बीजेपी वर्कर शहर नू बंद करा रहे ने ते दूजे पासे किसान अलग तो अपना विरोध जता रहे ने। मलोट तो ब्यूरो चीफ जसवीर औलख की रिपोर्ट, NC7 न्यूज। बैंक ग्राहकां लई बहुत महत्वपूर्ण खबर है। 1 अप्रैल 2021 तो यानी कि अगले महीने तो 7 सरकारी बैंकां दी पुरानी चेकबुक IFSC कोड अते पासबुक अयोग हो जाएंगे, यानी तुसी अपनी पुरानी चेकबुक जरिए किसी भी किस्म दी अदायगी नहीं कर सकोगे। इसलिए जेकर तुहाडा खाता भी इन्हां सरकारी बैंकां दे विच है तां तुहानू जल्द चेकबुक बदलनी होएगी। इन्हां 7 सरकारी बैंकां दी रिलेवा प्रक्रिया हाल ही विच पूरी हुई है। इन्हां विच देना बैंक, विजय बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक अते कॉरपोरेशन बैंक शामिल ने। इन्हां बैंकां दे ग्राहक कोल जो पुरानी चेकबुक है उस विच पुराने बैंक दा ही IFSC कोड अते MICR कोड हन, पर ये हुण बदल जावेगा, इसलिए तुहानू जल्द नवी चेकबुक लेनी होएगी। जलंधर फगवाड़ा रोड ते चलदी कार नू अग लगन दा मामला सामने आया, जबकि कार वेखदे वेखदे ही बर्निंग कार च बदल गई। नौजवान ने जिवें ही कार चो धुआं निकलदा वेख्या तां तुरंत कार रोक अपनी जान बचाई। इन्ने चग कार दी इंजन तक पहुंच गई, मौके ते नेड़ले लोकां ने अग नू बुझाया। दरअसल गुरुद्वारा साहिब तो सेवा करके वापिस आ रहे सिख नौजवान मनदीप सिंह ने दस्या कि रस्ते च उन्हां दी चलदी कार दीआं लाइटां बंद हो गईआं सन अते कार स्टेयरिंग ब्लॉक हो गया। कार दी स्पीड घट सी तां ओह तुरंत कार रोक के बाहर आ गए। इन्ने च उन्हां दी कार नू भयानक अग लग चुकी सी, लोकां दी मदद दे नाल अग नू बुझाया गया। ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਜਾਹੋ ਜਹਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। इस मौके ते तख्त श्री केसगढ़ साहिब नू खूबसूरत लाइटां दे नाल सजाया गया अते तख्त श्री केसगढ़ साहिब दे चौगिरदे दी खूबसूरती आने वालियां संगतां दा मन मोह रहीआं ने। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी दे वल्लों समर शेड्यूल जारी कर दिता गया है। इस दौरान चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो भावें नवी इंटरनेशनल फ्लाइट शामिल नहीं कीती गई, पर अथॉरिटी वल्लों डोमेस्टिक फ्लाइटां दी गिनती दे विच काफी वाधा कीता गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो 7 डोमेस्टिक फ्लाइटां शुरू कीतियां गईयां ने, जिन्हां विच हिसार, इंदौर, दिल्ली, जयपुर अते देहरादून दीआं फ्लाइटां शामिल ने। इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे पब्लिक रिलेशन अफसर
प्रिंस ने दस्या कि एयरपोर्ट तो शाहजहां दी एक फ्लाइट अजे दोबारा शुरू की गई है। इस दे नाल उन्होंने दस्या कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो फ्लाइटा की उड़ान सवेरे 5:50 बजे शुरू हो जाएगी, रात 11:50 तक ऑपरेट होगी। प्रिंस का कहना है कि विंटर शेड्यूल विच फ्लाइटा की गिनती 40 के करीब सी, पर समर शेड्यूल दे विच इन्हां दी गिनती 47 पहुंच गई है। इस आधार ते चंडीगढ़ तो ऑपरेट होने वाली फ्लाइटा की गिनती 94 पहुंच गई है। हालांकि अजे कुछ दिन विच एक तो फ्लाइटा होर भी वध सकदियां ने। अहम खबर, 1 अप्रैल तो तुहाडी जेब उपर होर बोझ पैण जा रहा है। दरअसल बहुत सारिया चीजा महंगिया हो जानिया ने, जिन्हां दे विच दुध, हवाई सफर, इलेक्ट्रॉनिक का समान महंगा हो जा रहा है। 1 अप्रैल तो तुहानू केड़िया चीजा लई ज्यादा कीमत चुकानी पवेगी, आओ तुहानू दसते हां। सब तो पहला गल इलेक्ट्रिक अते इलेक्ट्रॉनिक समान दी जो महंगा हो जा रहा है। कच्चे माल विच होए वादे दे कारण एसी, फ्रिज, पखे, कूलर आदि दियां कीमतां इन्हां दे निर्माता वधाउण जा रहे ने, जिन्हां दे विच 1500 रुपए तो लैके 3000 रुपए तक दा इजाफा वेखण नूं मिल सकदा है। जबकि इस तो पहला भी जो वीवी निर्माता कंपनियां ने, ओ पहला भी कीमतां वधा चुकियां ने। दूजे नंबर ते गल हवाई सफर दी जो महंगा होण जा रहा है, परंतु भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने तक दे ऐलान किया सी कि भारत च चप्पल पाउण वाला भी हवाई जहाज च सफर करेगा, लेकिन ये सुपना सुपना ही रहिंदा जाप रहा है, क्योंकि नवे वित्त साल च एविएशन डिपार्टमेंट घरेलू उड़ाना का किराया लोअर लिमिट तो 5% तक वधाउण जा रहा है। हुण गल करदे हां गड्डियां ते कारां दी, जिन्हां दियां कीमतां च होर अग लगन जा रही है। एक पासे पेट्रोल अते डीजल दी मार लोक पहला ही चल रहे ने, ते दूजे पासे कारां दियां कीमतां विच वाधा होण जा रहा है। इत्थे ही बस नहीं, हर घर विच रोजाना इस्तेमाल होण वाला दुध भी होर महंगा होवेगा, क्योंकि इस दे उत्पादकां ने अप्रैल महीने तो इजाफे दी गल कही है। पर इस सब दे विच राहत दी गल जरूर है कि पंजाब विच बिजली दियां कीमतां नहीं बदलनियां, जिस दा ऐलान खुद पंजाब दे खजाना मंत्री मनप्रीत बादल बजट विच कर चुके ने। कुल मिलाके वेखिए तां इक पासे पहलां तो कोरोना दी मार चल रहे लोकां दा व्यापार जिथे मंदी वल चला गया है, उथे कीमतां विच भारी वाधा होण नाल लोकां दियां जेबां ते होर भार जरूर पवेगा।